दंड फंदी लोग चमत्कारी दिखाकर जनता को गुमराह कर अपने आश्रम बनाने में लगे हुए हैं। राजनीति में आएंगे लद उल्टे दिखाई देंगे चुनाव में। जनता ऐसे लोगों को कोई बर्दाश्त नहीं करती। कार्यक्रम रायपुर में चल रहा है और रायपुर में उन्होंने जो रियल टेस्ट की बात कही थी, रियल टेस्ट भी हुआ है जिसमें एबीपी न्यूज़ के एक पत्रकार को बुला के उन्होंने रियल टेस्ट दिया, उसके चाचा का नाम बता दिया, उसके भाई का नाम बता दिया, उसकी बच्ची का नाम बता दिया। इस पूरे चमत्कार पर आप क्या कहेंगे, ये चमत्कार है या अंधविश्वास है? मैं तो अंधविश्वास को मानता नहीं हूँ, ना कोई चमत्कार है। अगर वास्तव में बागेश्वर बालने बाबा में चमत्कार है तो मध्य प्रदेश में 4.5 लाख का जो कर्ज है वो एक अपनी चमत्कार के द्वारा कागजों में समाप्त कर दें, मध्य प्रदेश का विकास हो जाएगा। जी जी जी, और क्या चमत्कार देखना चाहते हैं आप? मध्य प्रदेश का विकास का चमत्कार करें। कोई भी अपनी झोली भरने के लिए, आश्रम को वैभव बढ़ाने के लिए, निजी स्वार्थ के लिए अगर कोई काम करता है तो मैं उसको चमत्कार नहीं मानता। वो तो एक तरह का जनता को गुमराह करना है। अगर ऐसे चमत्कारी थे तो महाराष्ट्र वाले एक नागरिक ने जो संस्था में उसका उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया तो रात में अपने 3 टप्पल लेके क्यों भागे? उनको समाप्त कर दे चमत्कार के माध्यम से, शराब दे देते तो वही भस्म हो सकते थे वे। अच्छा, उनका कहना है हम तो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, सनातन धर्म का उनसे ज़्यादा तो मैं करता हूँ। हनुमान चालीसा, भजंग बाण, गायत्री मंत्र, दुर्गा मंत्र, शंकर मंत्र बरसों से, जब 5वीं क्लास से तब पढ़ते, वे कहाँ तब पैदा भी नहीं हुए थे। उनसे ज़्यादा सनातन धर्मी कौन हो सकता है? हमें सब लोग, आप सब हो, इस समाज में रहने वाले इस देश के 90% लोग सनातन धर्मी हैं। उनका सनातन धर्म बरसों से फैलाव कर रहे हैं। जो आज कोई नई शक्ति के नाम पर प्रचार कर रही है कि उनके सनातन धर्म, उन्हें हजारों साल पुराना धर्म है। तो सनातन धर्म को ही टारगेट क्यों किया जाता है लोगों के? कोई टारगेट नहीं कर रहा। टारगेट जो बाबा भाई दंड फंदी लोग चमत्कारी दिखाकर जनता को गुमराह कर अपने आश्रम बनाने में लगे हुए हैं। ये लोग राजनीति का प्रचार क्यों करते हैं, राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? राजनीति में आएंगे लद उल्टे दिखाई देंगे चुनाव में। जनता ऐसे लोगों को कोई बर्दाश्त नहीं करती।